उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवनी परिधि हॉस्पिटल के संचालक द्वारा हॉस्पिटल के बगल में पड़े आवास विकास परिषद के खाली पार्क को अवैध कब्जा कर टीन शेड व बाउंड्री वॉल बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी बांदा नगेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन देकर लोगों ने पार्क से अवैध कब्जे को खाली करवाने की गुहार लगाई है। पूरा मामला बांदा शहर के वीआईपी इलाका महाराणा प्रताप चौक के पास आवास विकास कॉलोनी बी ब्लॉक का है, जिसे स्थानीय निवासियों के लिए ओपन स्पेस पार्क दिया गया था। पार्क के बगल में बिना नक्शा पास कराए बने अवनी परिधि हेल्थ केयर हॉस्पिटल के संचालक व चेयरमैन ब्रजमोहन गुप्ता व उनके पुत्र अज्ञात गुप्ता ने तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन से साठ गांठ कर आवास विकास के पार्क को औने पौने दामों पर फ्री होल्ड डीड करा लिया गया। आज आप यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए, क्या है मामला? मामला है आवास विकास बी सेक्टर बांदा का। बांदा में जौनीपति हेल्थ सेंटर चल रहा है संचालक अज्ञात गुप्ता द्वारा, तो अवैध तरीके से आवासीय जगह में एक तो अस्पताल चला रहे हैं पाँच मंजिला बनाकर 58 आवासीय प्लाट पर दुकानों पर, जो अवैध है जिनको नोटिस जारी हो चुकी है 22 और 23 में अस्पताल के आने का अवैध, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। पार्क अस्पताल के जस्ट बगल जौनीपति हेल्थ सेंटर के पार्क था, जो आवास विकास योजना बांदा में पढ़ने के समय सभी आवास विकास वालों को कॉलोनी आवंटन के समय पार्क दिया गया था। पार्क को अवैध तरीके से साठ गठ करके अधिकारियों से आवास विकास परिषद द्वारा और शासन से मिलकर उसको हेल्थ सेंटर HC01 प्लाट बनाकर अवैध तरीके से हेल्थ सेंटर करा लिया। पार्क को हेल्थ सेंटर कराने के बाद उस पर अस्पताल दूसरी बनाने की तैयार, शहर की मेन चौराहे की माणा प्रताप चौराहे की मेन शान जो पार्क है जान है शहर की, उसको अवैध तरीके से नीलाम करा लिया कौड़ियों के दाम में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।